बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और बीजेपी ने इसी आर में अपनी पार्टी को लेकर राज्य में एक बड़ा संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि अब बिहार बीजेपी में युवा और नए चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और पार्टी ने इसकी कोशिश भी शुरू कर दी है। पुराने दिग्गजों को दरकिनार करके नए नाम पर दांव लगाया गया है। बदलाव की बेताबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार में बीजेपी के कोटे से कुल 16 मंत्री हैं, जिनमें से 12 नए चेहरे हैं बीजेपी के कोटे से। नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार में बीजेपी के कोटे से जो 16 मंत्री हैं उसमें 12 नए चेहरे हैं। कैबिनेट के दूसरे विस्तार में तो 9 में से 7 नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है और ये बिहार में एक तरीके से पार्टी में बदलाव के ये संकेत हैं। बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर गौर करें तो कई बातें साफ तौर पर दिखती है, जिसमें एक बात यह है कि क्या बिहार में बीजेपी खुद को बदलना चाहती है और क्या बीजेपी ने जो बदलाव मंत्रिमंडल विस्तार के आड़ में किए हैं उससे फायदा मिलेगा। जाहिर है बिहार में बीजेपी ने बड़े बदलाव के साथ नए राजनीतिक तेवर का एक संकेत दिया है। जिन चेहरों को सत्ता की मुख्य धारा से हटाया गया है वो सब कभी बिहार में बीजेपी की आइडेंटिटी हुआ करते थे, बीजेपी के प्रतीक थे, पहचान थे। अब उनकी जगह नए नवेले नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। बीजेपी नेतृत्व ने यह काम रणनीति के तहत 2 चरणों में पूरा किया है। पहले चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को राज्यसभा सदस्य बनाकर प्रदेश की राजनीति से अलग करके उन्हें दिल्ली भेज दिया गया राज्यसभा सदस्य बनाकर। दूसरे चरण में वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव, जो बिहार में पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे, प्रेम कुमार, रामनारायण मंडल और विनोद नारायण झा, जो बेनीपट्टी से विधायक हैं, उनके जैसे बड़े नेताओं को किनारे करके बड़ा संदेश देने का प्रयास पार्टी ने किया है। दूसरे चरण के कैबिनेट विस्तार पर दिग्गजों की नजर टिकी हुई थी, लेकिन पार्टी ने अपने कोटे के 9 मंत्रियों में से मात्र 2 पूर्व मंत्रियों को मौका दिया है। जो सोशल इंजीनियरिंग है बिहार में, उसके तहत मोतिहारी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार वापसी करने में सफल रहे। सम्राट चौधरी भी बीजेपी के लिए एक तरह से नए ही हैं। पहले वो जेडीयू में थे तो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें पहली बार सरकार में जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार में मंत्री बनाने के पीछे भी बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। अल्पसंख्यक चेहरा होने के कारण वो बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लगभग 2 दशक से उन्हें कोई मंत्री का पद नहीं मिला था, दिल्ली में रह रहे थे और एक तरीके से बीजेपी के लोग जानते हैं कि शाहनवाज हुसैन को हाशिए पर रखा गया था। तुरुप का इक्का शाहनवाज हुसैन बिहार में साबित हो सकते हैं। बीजेपी शाहनवाज के सहारे विपक्ष के हमले की धार को कुंद कर सकती है, यह कोशिश रहेगी। इसके अलावा नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू, आलोक रंजन झा और जनक राम को पहली बार मंत्री बनाया गया है। पहले चरण के बदलाव में भी बीजेपी ने सिर्फ 2 पूर्व मंत्रियों को जगह दी थी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और मंगल पांडे जगह बनाने में कामयाब रहे थे। शेष 5 विधायकों को पहली बार मंत्री बनाया गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामसूरत राय, जीवेश मिश्र और रामप्रीत पासवान हैं। तो जो बीजेपी ने एक तरीके से बिहार में अपनी नई चाल चली है वो पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेताओं के लिए संदेश भी है और नए नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि आने वाले दिन में पार्टी किस तरीके से नए चेहरों पर, युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है।